नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर पैकेज घोषित किया है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में मदद मिलेगी। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को भी इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सरकार ने इस पैकेज में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। तो क्या है ये बड़ा तोहफा? उत्तराखंड में धामी सरकार बीते कुछ दिनों से लगातार तोहफे बांट रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने अब घोषित पैकेज के तहत आने वाले 5 महीनों के लिए आशा फैसिलिटेटर और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 3,000 रुपए और डॉक्टर को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वहीं इसका फायदा लगभग 61,000 कर्मचारियों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से 1,120 आशा फैसिलिटेटर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक एक टैब भी दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को कोविड के दुष्प्रभाव से बचाने और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक किट भी बांटी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इन सभी योजनाओं से लगभग 3,73,568 लोगों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि अभी तक ये सीएम की घोषणा मात्र है, लेकिन इसका फायदा कहाँ तक पहुँचेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।